हज की अरकान कितने दिनों पर मुश्तमिल है? पांच। पहला कौन सा है? आठ, दूसरा नौ, तीसरा दस, ग्यारह और बारह। ये पांच अय्याम आपने याद रखने हैं, आठ जुलहिज्जा, नौ जुलहिज्जा, दस जुलहिज्जा, ग्यारह जुलहिज्जा, बारह जुलहिज्जा। आठ जुलहिज्जा का दिन हमने गुजारना है मीना में, वहां पढ़ेंगे पांच नमाजें। पांच नमाजें मीना में पढ़ना सुन्नत है और पहली नमाज होगी जोहर। पहली कौन सी पढ़ेंगे? फिर असर, फिर मगरिब, अगली इशा और फिर फजर। ये फजर की नमाज हम अदा करेंगे तो ये कौन सी तारीख हो जाएगी? नौ जुलहिज्जा। शाबाश। अच्छा, नौ जुलहिज्जा का दिन, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ हज। यानी अगर आपको कोई कहता है कि हज किस दिन होता है, हज होता है नौ जुलहिज्जा को, याद रखिएगा। हज का दिन कौन सा है? नौ जुलहिज्जा। ये वकूफ़ अरफा, ये हज का रुकन आजम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रुकन आप कह लें। हज के तीन फराइज हैं, महराम पहनना, नियत करना और तवाफुज ज़ियारा, लेकिन रुकन आजम है वकूफ़ अरफा। तो वकूफ़ अरफा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। नौ जुलहिज्जा का दिन आपने अरफात में गुजारना है। अच्छा, अब नौ जुलहिज्जा अरफात में जब आप पहुंचेंगे तो वकूफ़ अरफा का जो वक्त शुरू होता है, जब जिसको कहें कि अरफात के दिन का वकूफ का वक्त शुरू होता है, जब जोहर का वक्त शुरू होता है ना, तो ये वक्त शुरू हो जाता है। सुभान अल्लाह। जैसे ही जोहर का वक्त शुरू हुआ, जितने लोग अरफात में एहराम की नियत के साथ मौजूद हैं, वो सब के सब हाजी हो जाते हैं। लेकिन अरफात से गुरूब आफ्ताब तक नहीं निकलना, जब तक गुरूब आफ्ताब मगरिब का टाइम ना हो जाए, आपने अरफात नहीं छोड़ना। जो उससे पहले निकल जाता है उस पर दम हो जाएगा। तो याद रहे, जोहर के वक्त में जोहर पढ़नी है, असर के वक्त में असर पढ़नी है। अपने अपने खैमों में पढ़ें या जमात कर लें और वहां इबादत करें, दुआएं करें। गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अरफात को नहीं छोड़ना है। अब जब गुरूब आफ्ताब के बाद आप निकलेंगे तो अब जाना है मुजदलिफा, और मुजदलिफा पहुंचकर अल्लाह की शान देखें। अरफात में मगरिब का वक्त हो गया है मगर मगरिब पढ़ने की इजाजत नहीं है। अच्छा, मुजदलिफा में भी मगरिब और इशा पढ़ेंगे मगर इशा का वक्त शुरू हो जाने के बाद पढ़ेंगे। यानी इशा का वक्त शुरू हो गया, अब मगरिब और इशा पढ़ेंगे, और उसको मिलाकर पढ़ने का तरीका यह है कि मगरिब के पहले फर्ज पढ़ेंगे, फिर इशा के फर्ज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की नवाफिल, मगरिब की सुन्नतें और नवाफिल, फिर इशा की सुन्नतें, वितर वगैरह अदा किए जाएंगे। अब ये रात है 10 जुलहिज्जा की रात, सुबह 10 जुलहिज्जा है। ये रात गुजारेंगे मुजदलिफा में और इस रात इबादत भी करेंगे। और यहां फजर की नमाज पढ़ना या फजर के वक्त में यहां होना जरूरी है, क्योंकि मुजदलिफा का जो वकूफ का वक्त है ये जब शुरू होता है कि जब फजर का वक्त शुरू होता है। अच्छा, अब सुबह हो गई, ये सुबह कौन सी है, कौन सी तारीख हो गई? 10 जुलहिज्जा पाकिस्तान में क्या होता है, कौन सी ईद होती है? बकरा ईद। हाँ जी, देखो कैसे कमाल की ईद मना रहा होता है, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाए घूम रहे होते हैं, एक दूसरे से ईद मुबारक कर रहे होते हैं। हाजी के एहराम भी मैला, उसके बाल भी बिखरे हुए, उसकी आंखें भी नींद से थकन से चूर है, ये कैसी ईद है? वल्लाह ये सारी दुनिया की ईदों से अच्छी ईद। हाय हाय, क्योंकि अल्लाह को ये मैला कुचैला हाजी बड़ा पसंद है। आज ईद का दिन है और हाजी को तीन काम करने हैं, 10 जुलहिज्जा को तीन काम करने हैं, और ये तीनों काम एक तरतीब से, सीक्वेंस से करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा, पहले हाजी ने क्या करना है, रमी करनी है। क्या करना है इसको? रमी करनी है शैतान को, शैतान को कंकरियां मारनी है, बड़े शैतान को। उस दिन एक ही जमरे को, एक ही शैतान को कंकरियां मारनी है, सात पत्थर मारने हैं। रमी करने के बाद हाजी ने क्या करनी, कुर्बानी। क्या करनी है? अच्छा, रमी कर ली तो कुर्बानी, जो भी करने वाला उसको बताएंगे मैंने रमी कर ली, वो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी हो गई तो उसके बाद हाजी ने हलक करवाना है, हलक करवाना है या कसर करवाना है, तकसीर करनी है, बाल उतरवाने हैं। अब वो एहराम से फारिग हो गया जनाबे वाला, कितने दिन हुए हैं? सवा दो दिन तो हुए हैं। 10 जुलहिज्जा, 8 को तो एहराम बांधा था और 10 को फारिग हो गया। ठीक है, तो नो टेंशन एट ऑल। अब सारी पाबंदियां खत्म हो गई एहराम की, खुशबू भी लगाएं, सिले हुए कपड़े भी पहने, एंजॉय करें। सिर्फ एक पाबंदी बाकी है जो मर्द औरत की पाबंदी है। अब जब तवाफुज ज़ियारा कर लेंगे वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। तो टेंशन एहराम की नहीं लेनी है, 2.5 डेज, सवा दो दिन, ढाई दिन में आप एहराम से ऑलमोस्ट फारिग हो जाएंगे। अब आपका एक बड़ा फर्ज बाकी है और वो क्या है? तवाफुज ज़ियारा। तवाफुज ज़ियारा उसका नाम जरूर है मगर चक्कर उसके भी साथ ही है, नॉर्मल तवाफ की तरह है, मगर ये तवाफ ज्यादा इंजॉयबल है कि इस तवाफ में अब आप कपड़े पहने हुए हैं, अब आप एहराम में नहीं हैं, अब आप अपने लिबास के साथ बड़े सुकून से तवाफ ज़ियारा करेंगे। और फिर एक वाजिब है, वो है हज की सई। तो तवाफ ज़ियारा और सई आपने करनी है। तवाफ ज़ियारा का जो टाइम है वो 10 को भी कर सकते हैं,
11 को भी कर सकते हैं, 12 की غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے کرنا ہے، تیسری عید کو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت طواف و زیارہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سعی ہے، جو طواف و زیارہ کے بعد کرنے والی حج کی سعی ہے، وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر ہے کہ طواف و زیارہ کے ساتھ کر لیں تاکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے۔ اب 11 اور 12 ذوالحجہ میں دو مزید آپ نے کام کرنے ہیں، وہ کیا کرنے ہیں؟ آپ نے جمرات کی رمی کرنی ہے اور اس میں 3-3 شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور ہر شیطان کو 7-7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو جب 3 شیطانوں کو 7-7 کنکریاں ماریں گے تو کتنی ماریں گے؟ 21 کنکریاں 11 ذوالحجہ کو بھی ماریں گے اور 21 کنکریاں 12 ذوالحجہ کو بھی ماریں گے۔ ویری گڈ۔ اچھا، اب 11 اور 12 میں جمرات کی رمی کا وقت شروع کب ہوتا ہے؟ یاد رہے، جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، جمرات کی رمی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظہر کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک آپ کبھی بھی رمی کر سکتے ہیں۔ چلے جناب، حج کے 5 ایام پورے ہو گئے، اب بھی خود بھی یاد کر لو، دوسرے حاجیوں کو بھی بتانا۔